डरेव। मुझे भी हाइल्स पहननी है। हाई हील्स? हाँ बिल्कुल। I don't think देखो so. ये वाले अच्छे हैं। इस आर्टिकल के लिए गूगल करते then you wouldn't write this bullshit. We print stories. We don't cook them. ये बकवास अपनी न्यूज़पेपर की कैचलाइन के लिए रखना। Let me tell you something. मैंने बहुत कुछ किया है अपने 17 ट्रांसफर्स के बीच में, पर तुम्हें वो छापने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो स्टोरीज नहीं, एक सच है। तुम्हारी आंखें भी थकान से लाल हैं और मेरी भी, मगर फर्क यही है कि कल पूरी रात मैं रत्ती की हालत में पड़ी हुई पुलिस फाइल्स छांट रहा था और तुम किसी पेज 3 पार्टी में मुफ्त की दारू पी रहे थे। दिस इज वर्क एंड दैट इज हैंगओवर। 15 दिनों में इस आर्टिकल की हर लाइन बदलोगे। इट्स अ चैलेंज। चैलेंज का मीनिंग पता है? वरना वो भी गूगल पे ढूंढ लो। जेडी, तुम सुनते रहे? बंदे में दम है। एसीपी विजय खन्ना, मैं तुम पे दाव लगाऊंगा। प्रेम? यस सर। ये शेर खान कौन है? जस्ट ए कार डीलर है सर। पूरी बात? गाड़ी खरीदता है, बेचता है, इंपोर्टेड बाइंग्स। तो इसके खिलाफ एफआईआर क्यों? वो कॉलम। सर, शेर खान का इस केस से कोई लेना देना नहीं है सर। प्रेम? श्योर। ओके सर। बेचनी है, कितने मिलेंगे? 7 साल। डिस्कवरी चैनल देखता है? हाँ। मेरे जैसा आदमी ऐसी ही एक खून लगी गाड़ी को यहाँ लेके आता है और सोचता है कि कुछ नहीं होगा। वो आराम से घर जाता है, टीवी ऑन करता है और क्या देखता है? डिस्कवरी। उस प्रोग्राम में पुलिस एक आदमी को पागलों की तरह ढूंढ रही है। उस आदमी के टीवी पर और उसके घर पर एक ही साथ घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है पुलिस। मुझे डिस्कवरी पे आने का शौक नहीं है भाई। तुम्हें पुलिस से डर क्यों लगता है? तुम्हारा तो लफड़ी की गाड़ी खरीदने का काम है। ए! शेर खान बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करता है। अगर ये खून तुझे गाड़ी के उस तरफ नहीं चाहिए ना, तो गाड़ी लेके निकल यहां से। काम मर गए। हाँ, देखते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अरे कर लेना, वो गाड़ी वाड़ी का जरा देख लेना। ठीक है, ठीक है जी। सलाम वालेकुम खान साहब। अरे प्रेम, अरे क्या हाल है यार? बस अपना तो वही हड्डी वही खान। वो नए साहब आए हैं ना, तो बस ऐसे ही सोचा। चल मिल के आते हैं ना। हाँ चल। आदाब खान, कैसे हो? मर, इन एरियाज में जितने भी छोटे मोटे गैंगस्टर्स हैं। सलाम खान, आप यहाँ? सलाम वालेकुम एसीपी साहब। जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर है। शराफत से खड़ा हूँ इसलिए तुम खड़े हो, वरना यहाँ लेटे होते। Just shut up! चिल्लाओ मत एसीपी साहब, वरना गला खराब हो जाएगा। और ऑर्डर्स देते वक्त ऐसे लगोगे जैसे गूंगे भैरे की न्यूज सुना रहे।
वर्दी में तो वॉचमैन भी अपने आप को कमिश्नर समझता है। पूछताछ करनी है करो, गिरफ्तार करना है तो शौक से, पर गिरेबान छोड़कर। प्रेम। यस सर। इसे बाहर ले जाओ। कोई जरूरत नहीं। एसीपी साहब तुम यहां नए हो, मेरा यहां पे बरसों का तजुर्बा है। खुदा हाफिज। खुदा। इन्हें चाय की नहीं ठंडे की जरूरत है, ठंडा पिला इन्हें। सर 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 पता चल गया, कॉल गर्ल ने किया था। कॉल गर्ल? मेरा मतलब वो गर्ल ने कॉल किया था सर। उसका नाम और एड्रेस? अला तेपन पाए जे सर, आपने बताया नहीं। सॉरी सर। काय नेहमी तापलेला असतो हा माणूस। काय झालं? अगली बार मेरी बीवी को बोलूंगा उसकी खोपड़िया पे रोटी सेक के दे, कड़क बनेगी कड़क। क्या उखाड़ लिया गरम खोपड़ी से? शेर खान के सामने तो मुंह पर बुच लग गया बुच। लेकिन मेरे नाप का नहीं, ना ये और ना तू। खानची लाइन व्यस्त है, उद्या फोन करा। खान, मैं क्रिमिनल्स के हाथ में सिर्फ हथकड़ी पहनाता हूं। हाँ।